हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इन बिस्किट के साथ बनाने वाली हूँ बहुत ही इजी सा टेस्टी सा केक, और वो भी बिना गैस जलाए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास है 4 चॉकलेट बिस्किट और 2 है मेरे पास व्हाइट क्रीम बिस्किट। तो पहले मैं इन सबको खोल लेती हूँ। तो ये सारे हमारे चॉकलेट बिस्किट्स हैं और इन सब बिस्किट्स को हम पीस लेंगे। और यहाँ मेरे पास है वाइट चॉकलेट के बिस्किट, तो इनकी क्रीम को हम सेपरेट कर लेंगे। तो पहले मैं इन्हें पीस लेती हूँ। तो यही से मैंने यहाँ पीस लिया है। और अब जो पाउडर बनाया है बिस्किट का, उसे इसमें डालूंगी मैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाएंगे हम। और इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। बस इससे ज्यादा दूध हमें नहीं डालना है इसमें। ये हो गया हमारा तैयार। और अब आगे की तैयारी शुरू करते हैं। और ब्रेड हम काटें या ना काटें आपके ऊपर है। कॉर्नर्स काट भी सकते हो और नहीं भी। तो हमको इन सबके ऊपर ये जो चॉकलेट का स्प्रेड बनाया है वो लगाना है। तो यहाँ सारी ब्रेड पे मैंने स्प्रेड लगा लिया है और अब इनको सेट कर देंगे हम एक के ऊपर एक इस तरीके से। बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी होने वाला है ये केक। मैं ऐसा केक पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन मैं आपको टेस्ट करके जरूर बताऊंगी कैसा बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा केक है इसको मैंने अच्छे तरीके से सारी जगह से कवर कर दिया है। और थोड़ा थोड़ा रह गया है क्योंकि ब्रेड छूटने लगती है फिर। और अब इसे डेकोरेट करने की बारी है। तो सबसे पहले जो मैंने ये बनाया था मैं इसे डाल दूंगी थोड़ा बहुत। थोड़ा सा बचा लिया था इसका पाउडर, तो उसे भी डाल दूंगी। और बाकी मैं इस पे रख डाल देती हूँ जैम्स। ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो। ये कलर की वजह से काफ़ी अच्छी लगती हैं, कलरफुल होने की वजह से, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा ये बच्चों वाला केक बन गया है, लेकिन हाँ जैसे बच्चे
बनाते हैं और उनको मतलब कुछ क्रिएटिविटी के लिए हम उनसे बनवा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। और ये बिल्कुल भी इसमें गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम उन्हें आराम से ये चीज़ सिखा सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारा ये टेस्टी सा केक, और देखने में ये काफी क्यूट और टेस्टी लग रहा है, और मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है। और ये बच्चे अपने लिए अगर बनाए जैसे, तो ये उनके लिए काफी अच्छा होगा और एक्टिविटी भी हो जाएगी सीखने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसे काट के और खा के। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा केक, और देखने में काफी टेस्टी है, खा के मैं बताती हूँ। सुपर टेस्टी है फ्रेंड्स, सच्ची। थोड़ा सा ठंडा कर ले फ्रिज में रख के, आधा घंटे करीब। बहुत लाजवाब लग रहा है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। कोई नहीं कह सकता कि बिस्किट से बनाया हमने, बहुत टेस्टी लग रहा है। बट डेकोरेशन आप लोग अच्छी कर लेना, मेरे से तो ऐसी हुई है, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा है। और अपने बच्चों को जरूर सिखाना करने के लिए। और हाँ, आरू ने तो सीख लिया होगा, मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ ना ऐसा, तो वो हमेशा मुझसे लड़ता है कि चाची कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा नया नया बनाती है और मेरे लिए कुछ नहीं बनाती। तो मैं कोशिश करूँगी जब मैं जाऊँगी तो उसके लिए भी बनाऊँगी। और ये काफ़ी टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना और बनाना, फिर खाना और बताना कैसा बना। तो ये मेरी वीडियो थी आज की, अच्छी लगी वो रेसिपी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अभी इतना सारा रखा हुआ है, इनको भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। बाय बाय।